हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो अपन की क्वांट की सीरीज चल रही थी, जिसका सबसे पहला चैप्टर जो था वो नंबर सिस्टम था। उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया, शायद आप लोगों ने देखा होगा। और ये पार्ट टू है, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे वो एलसीएम, एचसीएफ, सेकेंड रिमाइंडर थ्योरम पे, ठीक है, और कुछ नंबर्स पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इन तीनों पे क्वेश्चंस होंगे। देखो, मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ और क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको थ्योरी समझाऊंगा, जो कि बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि ये एंगेजिंग भी लगता है और आप लंबे टाइम तक इसको कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आप भी क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आप जो भी क्वेश्चंस करते हैं उनको मेरे कराने के बाद उसी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 10-15 वीडियो के बाद आपकी स्पीड बहुत अच्छी बनने लग जाएगी, आप समझ लग जाओगे किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आराम से। देखिए, अगर इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने स्टूडेंट जो भी साथ वाले हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल की कर रहा हो, जीडी कर रहा हो, यूपीएससी कर रहा हो, या फिर यूपीएससी सीएपीएफ की कर रहा हो, किसी की प्रिपरेशन कर रहा है, ये सारे क्वेश्चन बहुत काम आने वाले हैं। क्वांटिटी से बाहर नहीं जाएगी, जितना मैं करूँगा आपने पढ़ लिया वो सफिशियंट है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर बेल्स टोल एट इंटरवल ऑफ 14:21 एंड 42 मिनट रेस्पेक्टली। इफ दे टोल टुगेदर एट 11:22 AM, वैन विल दे टोल टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर दैट। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, बहुत ईजी भी है, ठीक है। देखो, एक चीज़ याद है, जब भी टुगेदर टाइप का वर्ड आता है ना, तो अपन को क्या करना पड़ता है, जनरली एलसीएम लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे भागने वाला क्वेश्चन हो गया कि तीन जने हैं, ये भागते हैं, वापस से कब मिलेंगे, तो अपन को क्या करना पड़ता है, एलसीएम वाला कंसेप्ट लगाना पड़ता है। अब एलसीएम निकालते कैसे, देखो मैं एक तरीका बताता हूँ एलसीएम निकालने का। जैसे मान लो 4, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है। अब 12 की 12 देखो, जब एलसीएम जो निकलेगा ना, उसमें तीनों का डिवाइड जाना चाहिए, तो सबसे पहले बड़ा नंबर का पकड़ोगे 12। क्या 12 के अंदर 12 का डिवाइड जाता है? हाँ जाता है। 8 का जाता है? नहीं जाता है। 4 का जाता है? हाँ जाता है। इसका मतलब 12 एलसीएम नहीं है, तीनों का जाना चाहिए। फिर 12 की टेबल बोल 24 देखो, 24 में 12 का जाता है? जाता है। 8 का जाता है? जाता है। 4 का जाता है? जाता है। इसका मतलब 24 इनका एलसीएम हो गया। जैसे सपोज मान लो मुझे बोले 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालना है, तो मैं 10 को पकड़ूंगा, सबसे बड़ा नंबर है। फिर 10 का करूंगा, देखो 10 के अंदर तीनों को जा रहा है? नहीं जा रहा है। 20 में? नहीं जा रहा है। 10 की टेबल बोलेंगे 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर 120, 120 में जा रहा है सबका, 120 में सबका एलसीएम कितना हो गया, 120 एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आपको इस क्वेश्चन के दिया स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा, वैसे आता ही आपको, लेकिन मैं फटाफट निकालने के तरीके बता रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, सबसे पहले 11:22 पर ये मिले थे, तो अब देखो ये जो दिया हुआ है, इन तीनों को एलसीएम निकालो, वापस कब मिलेंगे, इन तीनों को एलसीएम निकाल दो, 14, 21, 42। बड़ा नंबर कौन सा है? 42। सबसे अच्छी बात है, 42 के अंदर तीनों को डिवाइड जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, तो एलसीएम क्या हो गया, 42 हो गया, एलसीएम हो गया 42, ठीक है। तो बस 11:22 के अंदर ऐड कर लो 42 मिनट, बताओ कितना आएगा। 42 प्लस यहाँ पर क्या 38 ऐड कर लो, तो 12 बज जाएगी, 12:04 हो जाएगा, टाइम कन्वर्ट करना आता है ये, तो क्या हो जाएगा, 12:04 PM। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कीजिए, अगर आपने क्वेश्चन किया हुआ तो उसको पहले पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो क्या बोला, व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर कितना मिलता है, 3, तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतना डिवाइड इज बाय 6। देखो कैसे करना है, ये बोला जब एक्स को डिवाइड करते हैं 6 से, तो हमको मिलता है रिमाइंडर कितना मिलता है, 3। तो अगर मैं आपको सिंपल से एक्स की वैल्यू पूछूं, मैंने बताया था आपको एक्स की वैल्यू पिछले वाले वीडियो के अंदर, कि क्या करो, जिससे डिवाइड कर दो उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो, 6 + 3 मतलब एक्स की वैल्यू एक तरह से आ गई 9। शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 9 आ गई, जिसे डिवाइड कर दो उसमें रिमाइंडर ऐड कर लो, एक्स की वैल्यू आ गई। अभी बोल रहा है इसको अगर डिवाइड करना कितना बचेगा, चलो भाई x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, भाई x की वैल्यू कितनी, 9 है, तो ये कितना होगा, 9^4 + 9^3 + 9^2 + 9^4, ठीक है, यहाँ 6, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा रिमाइंडर का देख लो, मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो 9 को डिवाइड करते हो 6 से, थोड़ा कंसेप्ट समझ लेना, वैसे मैं बताया था, तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है, ठीक है।
पिछले वीडियो में बताया था कि नेगेटिव रिमाइंडर भी कुछ चीज़ होती है, इस 3 में 6 माइनस कर दोगे तो -3, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है। अगर कोई पूछे 9 की पावर 4 को 6 में करोगे तो कितना आएगा, तो सुनना ध्यान से, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अगर सिंपल से मैं आपको आपको ऐसे पूछा कि 7 × 8 है, इसको 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचाएगा, देखो 8 7 जो होता है 56, 56 को 6 से डिवाइड किया, कितना बचेगा रिमाइंडर, 2 बचेगा, बचेगा। और इसको अगर आप ऐसे करते तो 6 से 7 करो, रिमाइंडर कितना बचा, 1, पीछे कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना बचेगा 2, 1 × 2 कितना हो गया 2, ऐसे भी आंसर 2 आ रहा है, ऐसे भी आंसर 2 आ रहा है। इसका मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर 9 की पावर 4 पूछेंगे तो 9 9 9 ये दिया हुआ है, सो 6 से करोगे तो यहाँ कितना बचेगा 3, फिर कितना बचेगा 3, फिर इसमें कितना बचेगा 3, फिर 3, कितना हो ये जो भी ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 9, वापस 6 से करो, करते रहना इसको, फिर करोगे तो बचेगा 3, फिर बचेगा 3, फिर ये हो गया 9, और 9 को वापस 6 से करोगे तो बचेगा 3, तो अल्टीमेटली रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है यहाँ पर, तो इसका भी 3 बचेगा, ध्यान सुनना, इसका भी 3 बचेगा, इसका भी 3 बचेगा, फिर इसका भी 3 बचेगा, इस 9 का भी 3 बचेगा, और प्लस में 1 रह गया डिवाइड में 6, इनको वापस ऐड करो, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा जिसे डिवाइड करो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो फिर 3 6 9 12 13, और 13 के अंदर अगर 6 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा स्टूडेंट, कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1। आगे बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए यहाँ पर, अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 बोला था एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 40 टाइम्स देयर एचसीएफ। देखो एक चीज याद करो, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर के बीच में लगता है और अपने 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, 2 नंबर मतलब ए और बी के बीच में लगेगा, ए बी सी में लगेगा। ये फॉर्मूला कैसा है एक चेक कर लेते हैं, मान लो 6 और 8 नंबर ले लो, इसका एलसीएम कैसे निकालोगे स्टूडेंट बताया, अभी मैंने बड़ा नंबर पकड़ो 8, 8 का डबल करो 16 नहीं जाएगा दोनों का भाग, 24 आ गया, फिर एलसीएम के बाद एचसीएफ निकाल दो, देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन दोनों में से छोटा नंबर पकड़ो उसको और छोटा करते रहो, 6 के अंदर इनका दोनों को भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 6 को और छोटा करो, 6 से नीचे नीचे नंबर वाला देख लो, देखो इसमें दोनों का 2 का भाग जा रहा होगा, ठीक है, और कोई नंबर नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऐसे निकालते हैं 2 × 3 कर लो, 8 है तो 2 × 4 कर लो, कॉमन सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये आंसर क्या होगा, एचसीएफ 2 हो गया। तो सिंपल से मुझे बताओ इन दोनों का क्या ये फॉर्मूला सही लग रहा है क्या, देखो चेक करो, एलसीएम कितना हुआ 24, एचसीएफ कितना हुआ 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट कितना है 6 × 8, तो ये 48 और ये 48 दोनों बराबर आ रहे हैं, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये थ्योरम बिल्कुल सही है। अब अगर ये सही है तो अब क्वेश्चन में क्या बोलो, ध्यान सुनो, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 40 टाइम्स, एलसीएम जो है एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बराबर या उससे बड़ा होता है, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। तरीका बताऊंगा शॉर्ट का तरीका एचसीएफ निकालने का, फिलहाल अभी ये देखिए, अब बोल रहा है कि एलसीएम जो है, मान एलसीएम जो है एचसीएफ का आपका 40 टाइम, मान लो एचसीएफ अपना एक्स है तो एलसीएम कितना है बताओ, 40x है, यहाँ तक कोई दिक्कत है स्टूडेंट, ठीक है। द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1476, एलसीएम प्लस एचसीएफ इन दोनों का सम जो है 1476 है, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 288, मान लेते हैं कि नंबर ए और बी थे, ठीक है, ए और बी में से मान लेते हैं ए है वो कितना है 288 है, तो बोला है कि फाइंड द अदर नंबर, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अपन को बताना है कि एक सेकेंड, हाँ अब बताइए, मोबाइल बज रहा था, अब देखिए एलसीएम ऑफ टू नंबर, अब फटाफट करते हैं अपन, तो अपन को ये फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले तो, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, भाई मुझे पता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा, तो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम अगर 40x है तो ये कितना है एक्स है, और यह प्रोडक्ट कितना है ए इंटू बी आएगा, ठीक है, ये कितना हुआ 40x² बराबर ए, ए कितना दिया मुझे, ए दिया हुआ मुझे 288, बी मुझे नहीं पता, बी निकालना मुझे, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये आ गई। अब क्या दिया हुआ है कि इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का सम, तो एलसीएम और एचसीएफ का सम करो 40x प्लस एक्स, ये कितना दिया हुआ है 1476, तो ये हुआ 41x इक्वल टू 1476, तो x कितना आ गया 1476 अपॉन 41, कितना आ जाएगा, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 123, फिर 24 बच जाएगा, 24
24, 246, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 बार मतलब 36, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। तो यहाँ रख दीजिए 36 को, 4 × 36 का स्क्वायर अपॉन 288 इक्वल टू कितना आ गया, b। तो b को सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 × 36 × 36 अपॉन 288, तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, जाएगा। और 8 × 5 = 40, और 36 × 5 कितना हो गया, 180। तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, 180 इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इतने अच्छे क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा बड़ा भी था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं करी, मैं नॉर्मल तरीके से किया, और एग्जाम में आएगा तो आप आराम से 30 सेकंड में कर लोगे, लेकिन अगर कोई शॉर्ट ट्रिक में रहेगा तो उससे नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको पॉज करते, ये नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 कीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा, आपसे फर्स्ट टाइम ही नहीं होगा, मैं ध्यान से कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट को देखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा, और किसी से पूछेगा फर्स्ट टाइम वो भी नहीं कर पाएगा, वो अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि टेन 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 94 डिजिट, मतलब सिंपल से बात, टेन 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 ऐसा चल रहा है, और ये टोटल जो नंबर बन रहा है वो 94 डिजिट का बन रहा है, ठीक है। और इसको अगर डिवाइड करें अपन 375 से, तो पूछा है रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। देखो, अब आप मेरे को एक चीज़ बताऊँ, जो फ्रेशर है, फ्रेशर बिल्कुल फ्रेश होकर आए, उनको तो थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, लेकिन अगर आप फ्रेशर नहीं हो तो बार बार थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज़ें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो सीजीएल के अंदर, या फिर अगर आपको क्वांट मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स आना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। बेसिक तो आपने पढ़ लिया है, आप क्वेश्चन करोगे तो क्या होगा, वो जो चीज़ें पढ़ी हुई है वो चीज़ें वापस से ब्रशअप हो जाएगी। अब देखो 94 डिजिट, अब बहुत ध्यान सुनना, तो 375 आप करके देखो पहला पोस्ट करके, अब मैं बताता हूँ देखो कैसे करना है। देखो, अगर ये 2 डिजिट का नंबर हो तो 10, और इसको मैं 375 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना बचता, ध्यान से बताओ स्टूडेंट, 10 बचता, कितना बचता, 10। अब इस 10 10 को अगर ये 4, ये 2 डिजिट का लिया मैंने, फिर मैं ले रहा हूँ 4 डिजिट का, अगर ये 10 10 होता और मैं इसको 375 से करता तो रिमाइंडर कितना बचता बताओ, 750, ये बचता 260। फिर मैं और करता 10 10 10 6 बार लेता, उसको मैं 370 से करता तो रिमाइंडर बचता मेरे पास में 135। करके देखो आप, करके देखो, ठीक है ना। 260 260 के अंदर ऐड करके देख लेना। अब मैंने 4 10 10 10 10 ये लिया 375, आपको डिवाइड करके देखना है। देखो, मैं कर चुका हूँ इसलिए, ठीक है। यहाँ अब इसके बाद में अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 10, करके देख लो, डिवाइड करके देख लो, ऐसे डिवाइड करके देख लो, आप डिवाइड करना तो आता ही आपको, तो आपका देखोगे रिमाइंडर वापस 10 आया। फिर आप और लोगे ना 10 10 10 10 10, फिर 375 से करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 265, 260 सॉरी, ये 260। फिर वापस करके करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 135। इसका मतलब ये हुआ कि हर 3 के बाद ये रिपीटेशन देगा, साइकिल देगा, ये फिर साइकिल, फिर ये साइकिल। अब अपन यहाँ पर डिजिट कितने लगा स्टूडेंट, ध्यान सुनना। अब यहाँ पर दो दो डिजिट करके ले रहे हैं, पहले 2 लिया, फिर 4 लिया, फिर 6 लिया, फिर 8 लिया, तो टोटल डिजिट 94 है। तो अपन दो दो करके ले रहे हैं, तो इसको पहले इसको हाफ कर दूँ, क्योंकि अपन एक ही साथ दो दो डिजिट लेकर अपन चेक कर रहे हैं, तो 47, ठीक है ना, 47 टाइम अपन को करना है। मुझे बताओ, देखो 3 3 में अपन क्या हो रहा है, 3 में फिर ये आएगा, फिर वापस 3 में आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, तो इसका मतलब 45 तक तो खत्म हो जाएगा, फिर वापस स्टार्ट होगा 46वां 47वां, तो 46 में भी बचेगा 10, 47वें में क्या बचेगा 260, कितना बचेगा 260, क्योंकि 45 से खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा वापस से स्टार्ट होगा, ये पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, तीसरा फिर वापस पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरे पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि 47 है तो 45, रिमाइंडर बचेगा 2, 2 मतलब 260 वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, चामच का मैंने नन ऑफ दिस दिया है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, समझ जाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर आएगा तो इसका क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा, किसी ने करे होंगे तो कर लेगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मैथ्स को अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो बहुत ईजी लगेगी, और अगर समझ के नहीं करोगे तो बहुत हार्ड लगेगी। आ जाओ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 to the power 79 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है ना, बहुत आसान। देखो 5 के पावर 79, देखो सारे क्वेश्चन के अंदर ही करा दूंगा मैं,
रिमाइंडर निकालना है। देखो मैंने रिमाइंडर बता दिया, अगर 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 5 आएगा, या इस 5 में से -7 कर दो तो बचेगा -2। इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। जो छोटा है अपन वो लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो, 5 की पावर 79/5, सॉरी 7, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ 7 यहाँ पर। अब देखो रिमाइंडर ऐसा कुछ निकालो, 5 की पावर ऐसा कुछ करो ताकि रिमाइंडर 1 बच जाए। 1 बचने से क्या होता है, 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 आती है तो थोड़ा फायदा हो जाता है अपन। तो सोचो देखो 5 की पावर 2 करूँ तो 25 होगा, फिर रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। 5 की पावर 3 करूँ, चलो देखते हैं, जो भी पहले अपन -2 करके देखते हैं। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 5 बचेगा या -2 बचेगा। तो उसको सीधे लिख दो -2 की पावर 79, वापस 7। अब ध्यान सुनना, माइनस को बाहर ले लो क्योंकि माइनस की पावर ऑड है तो -12 आएगा, तो माइनस को बाहर ले लिया, हो गया 2 की पावर 79/7। देखो आपको पता है 8 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है स्टूडेंट, 1 बचता है। तो हमेशा 1 लाने की कोशिश करो। अब 8 कैसे आएगा मुझे बताओ, 2 की पावर 3 8 होता है तो यहाँ पर 2 की पावर 79 है। तो देखो 79, तीन तीन के पैर कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 3 के कितने पैर बन जाएंगे, डिवाइड कर दो 78 तक बन जाएंगे। देखो 2 की पावर 3 26, 26 से 78 होता है, और ये 2 1 इधर बच गया, नीचे आ गया 7 और ये -1। ऐसा इसलिए किया ताकि यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। 1 की पावर 26 करोगे तो अभी 1 ही आएगा, तो माइनस का माइनस, यहाँ रिमाइंडर बच गया 1 और ये 2 हो गया, यहाँ 7, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो याद आएगा -2 7। अब रिमाइंडर बचता है -2, लेकिन -2 तो ऑप्शन है ही नहीं, ये नेगेटिव है, इसको वापस पॉजिटिव कैसे चेंज करेंगे, इन दोनों को प्लस कर दो तो -2 + 7 कितना हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया, 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में क्लियर, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन करते रहो, ठीक है, दिमाग लगाओ, धीरे धीरे आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी बहुत काम का क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। बोला एलसीएम ऑफ टू नंबर नेचुरल नंबर इज 590 एंड देयर एचसीएफ इज 59, हाउ मेनी सेट्स ऑफ वैल्यूज आर पॉसिबल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर 2 है, निकाल के बताना मुझे कैसे आंसर आया 2। ओके ठीक है, कोई करके बताएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, शानदार क्वेश्चन है, करके बताना, पॉज करो फिर सॉल्व करो। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, इसके अंदर गलतियाँ होती है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो आपको सिखाया क्या गया होगा, जनरली आप लोगों ने क्या याद किया होगा, आपने याद किया होगा कि आपको बताया होगा कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि 5, जैसे 5 एक बार आना है, आपको पता होना चाहिए कि 0 कैसे आता है। अगर 10 की बात करूँ तो इसमें 5 और 2 का मल्टीप्लाई, तो 0 कब आ सकता है, जब 5 भी रहना चाहिए और 2 भी रहना चाहिए। अब आपको सिखाया होगा कि जब अपन 1 से 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 कितनी बार आया दोस्तों, या 1 बार आया या 2 बार आया, तो मतलब टोटल मिलाकर 2 3 बार आ रहा है, जबकि 5 अपना 1 बार आया, कितनी बार आया 1 बार। इसका मतलब कम कौन आ रहा है, कम आ रहा है 5, जो जो कम आ रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब 5 1 बार आ रहा है तो नंबर ऑफ जीरो भी क्या आएंगे, 1 बार आएंगे। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया 1 × 2 × 3 × 4, ये दे दिया आपको 100 100 तक दिया हुआ है, और आपको पूछे कि 5 कितनी, सॉरी आपको पूछे 0 कितनी बार आएगा, तब आपको यहाँ पर 5 ही देखना है क्योंकि 2 का फैक्टर जो है बहुत बार आ रहा है, तो यहाँ पर 5 को देखना है कि 5 कितनी बार आ रहा है, जितनी बार 5 आएगा उतनी बार नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। हर क्वेश्चन के अंदर ये कंसेप्ट नहीं लगाना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ मैथ्स के अंदर जरूरी क्या है कि क्वेश्चन को देखो और कॉन्सेप्ट सीखो, ऐसे नहीं याद कर लिया। जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं, देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि 25 का मतलब कहता होता है 5 × 5, ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई 35 का मतलब कहता होता है 5 × 7, इसको देखते रहो। 40 कब आता है बताओ मुझे, 40 आता है 2 की पावर 3 फिर 5 की पावर 1 करने पर आता है। अच्छा फिर 50 कब आता है, 50 आता है 5 की पावर 2 करो और फिर 2 की पावर 1 करो, ठीक है। फिर 60 कब आता है, 60 सुनो, 60 आता है 5 × 4 × 3 करने पर आता है, और 65 कब आता है 5 × 13 करने पर। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, अब यहाँ पर दोनों गिनो, कम क्या आ रहा है वो देखो, क्या 2 कम आ रहा है क्या 5 कम आ रहा है, तो नंबर ऑफ 5 कितना आ रहा है, देखो ध्यान सुनना, नंबर ऑफ 5 कितना आ रहा है, ये 1 ये 2, ये 2 यहाँ से आए, तीसरा यहाँ से आया, चौथा यहाँ से आया, फिर 2 यहाँ से आया, 4 और 2 कितने हो गए 6, फिर ये हुआ 7 और फिर ये हुआ 8। आगे बात सुनो,
तो नंबर ऑफ फाइव कितनी बार आए, आठ। आगे बात समझ। अब फाइव, अब टू देखते हैं, तो मेरे पहले स्टूडेंट दो कितनी बार आ रहा है, या तीन बार आया या एक बार आया, चार बार या दो बार आया, छह बार, कितनी बार आया, छह बार आया। तो नंबर ऑफ टू जो आया वो छह बार आया। तो इस बार कम कौन सा आया, कम आ रहा टू आ रहा है, क्या आ रहा है, टू आ रहा है। ये आठ बार आ रहा है और ये छह बार आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला जो कम आएगा उसका वो आंसर होगा, क्योंकि वन टू थ्री फाइव में फाइव कम आता था इसलिए फाइव का आंसर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर टू कम आया तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट एट करके आते हैं, क्योंकि फाइव वाला कंसेप्ट याद करे जाते हैं। जबकि आंसर कितना होगा इसके अंदर, आंसर होगा सिक्स। क्या आंसर होगा, सिक्स, क्योंकि टू पर डिपेंड करेगा आंसर। बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन, मतलब अगर ये आ गया तो बहुत से स्टूडेंट, अगर जिसने नहीं किया होगा तो श्योर गलत करके आएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत दिमाग से प्रिपरेशन करना, पेपर इस टाइप के आएंगे, याद मत करो, क्वेश्चन को समझो, ठीक है। ये चीज़ें मैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो इजी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर नाइन। तो देखो पूछा क्वेश्चन नंबर एट में क्या पूछा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, लेट मी चेंज पेन, हाँ व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ ये। तो यूनिट डिजिट का सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ। यूनिट डिजिट के अंदर सिर्फ अपन को यूनिट डिजिट से मतलब होता है, पीछे वाले डिजिट से मतलब नहीं होता है। तो सिंपल से देखो, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, इसकी सेवन है, इस वाले नंबर की सेवन है, अगले वाले की एट है, उसके अगले वाले की सेवन है और उसके अगले वाले की सिक्स है। तो सेवन एट जा 56, 6 और 7 6 जा 42, मतलब टू, और 6 2 जा कितना होता है 12, मतलब टू। तो सिंपल से यूनिट डिजिट कितना आ गई, टू। आगे बात बोलते समय यूनिट डिजिट का मतलब होता है पहले वाले नंबर से मतलब है, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो बहुत ध्यान समझना है, बहुत ईजी, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो आप कर लोगे। तो बोला व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। यूनिट डिजिट से मतलब है अपन को पहले अंक से मतलब है, ठीक है। देखो तो मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं 1 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 1 होता है, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2, 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 3 × 2 × 1 मतलब 6, 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है, 4 × 3 × 2 × 1 मतलब 24, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल में कोई एक चीज़ बताना, 5 फैक्टोरियल में क्या आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। बहुत ध्यान समझना कॉन्सेप्ट, मुझे बताओ क्या इसका वैसे तो आंसर आएगा 120, इसमें 0 आ रहा है, आ रहा है 0। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ 5 भी है और यहाँ 2 भी है। तो वो 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूँ मैं, 6 × 5 का फैक्टोरियल। अगर अब 5 फैक्टोरियल में 0 आ रहा है तो क्या 6 फैक्टोरियल में 0 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। क्या 7 फैक्टोरियल में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 7 × 6 × वापस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो इसमें भी 0 आएगा। क्या 8 में 0 आएगा, 8 में 0 आएगा। 9 में आएगा, 9 में 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से लेकर 100 तक, इन सब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। यहाँ तक समझ में आई, 0 होगा, क्योंकि 5 में 0 तो 6 में भी होगा, 7 में भी होगा, 8 में भी 0 होगा। इसका मतलब जो आंसर डिपेंड करेगा वो 1 to 4 पे डिपेंड करेगा, क्योंकि 5 से लेकर 100 तक ये तो 0 हो गया। तो 1 फैक्टोरियल वैसे कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, इसके बीच में आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल होता है 6, और 4 फैक्टोरियल 24, और आगे सब के सब यूनिट डिजिट क्या आ रहे हैं, 0। तो अब यूनिट डिजिट से मतलब है, देखो 4 और 6 कितना हुआ 10, 10 × 2 = 12, 12 × 1 = 13, उसका मतलब आंसर कितना आ गया, 13, मतलब 3 जो होगा वो यूनिट डिजिट होगा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके अंदर 0 फैक्टोरियल ऐड कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है 0 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल। तो देखो वापस 5 फैक्टोरियल से लेकर 100 तक तो 0, अब आंसर किस पर डिपेंड करेगा, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो देखो इसका आंसर 3 आ रहा था, लेकिन 0 फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए 1 होता है, कितना होता है 1। तो जब 0 से दिया होगा तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा यूनिट डिजिट, 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर 1 से दिया हुआ है तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन लाजवाब है, आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10th है, ये आपके लिए है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, 8 क्वेश्चन मैंने कराया, इसी टाइप से क्वेश्चन सीरीज चलेगी।
बस ये है, क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, जब अपनी ऑडियंस बढ़ेगी तो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ऑडियंस कम है, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे उस हिसाब से अपन क्वेश्चंस बढ़ाएंगे, फिर ये 50-50 क्वेश्चंस भी एक एक वीडियो में करूँगा, तीन तीन चार चार घंटे की वीडियो आएंगे। फिलहाल अभी मैं देख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि आप लोग कितना लाइक करते हो, ठीक है। क्योंकि मैं वही चीज़ें करना चाहता हूँ जिसके एक्चुअल में स्टूडेंट है या फिर जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, ऐसे नहीं मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, इसी टाइप से क्वेश्चन चलते रहेंगे, और जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग कंटेंट जो है ज़्यादा ज़्यादा डालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।